हेलो दोस्तों, अगर आप भी यूट्यूब पे अपना एक चैनल बना रखे हैं म्यूजिक का, वहाँ पे आप भोजपुरी सॉन्ग यूज करते हैं, मतलब भोजपुरी गाना वहाँ पे अपलोड करते हैं, मतलब किसी भी सिंगर का गाना उठा लेते हैं और वहाँ पे अपलोड कर देते हैं, इस तरह का वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उसमें बहुत सारा मेहनत लगता है। देखिए दोस्तों, उसमें कितना मेहनत लग रहा है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मैं खुद ये सब काम किया है। मैं अपने यूट्यूब चैनल बनाया था पावर फिल्म प्रोडक्शन के नाम से, वहाँ पे बहुत सारा मैं सॉन्ग यूज एकदम अपलोड किया है, वहाँ पे देख सकते हैं। उसमें आपको आपको जो पोस्टर डिजाइनिंग करना पड़ता है, उसका थंबनेल बनाना पड़ता है, उसका वीडियो बनाना पड़ता है, फिर उसको अपलोड करना, उसमें बहुत सारा आपको टाइम लगता है, बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, उतना सब मेहनत आपको बेकार हो जाता है। तो क्यों बेकार हो जाता है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा इस वीडियो में। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए दोस्तों, जो मैं यहाँ पे गलती किया है ना, वो गलती आप लोग मत कीजिए, क्योंकि आप लोग देखिए, आप सब्सक्राइबर भी आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, फिर क्या फायदा आपको सब्सक्राइबर का, क्या करेंगे सब्सक्राइबर आप अपने, जब आपके चैनल पे कोई दूसरा अपना कंटेंट डालेंगे तो आपको व्यू ही नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं मेरा 90,000 सब्सक्राइबर, 91,900 सब्सक्राइबर है, यहाँ पे आपको लाइव में यहाँ पे दिखा दे रहा है इस तरह का। आप यहाँ पे चैनल देखिए, इतना सब्सक्राइबर है, और फिर अभी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ या कोई भी सॉन्ग अपलोड करता हूँ तो वहाँ पे 200-300 व्यू आता है, समझ लिए। 91,000 सब्सक्राइबर, तो कम से कम 5-6,000 तो व्यू आना चाहिए था, पर उतना भी व्यू नहीं आता, और चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ है। क्यों नहीं मोनेटाइज हुआ? रिव्यूज कंटेंट के कारण। यहाँ पे मैं कितना भी बहुत सारे ऐसे कॉपीराइट क्लेम, जो कॉपीराइट सॉन्ग था मैंने वहां पे अपलोड किया था, तो इसकी वजह से वहां पे रिव्यूज कंटेंट के कारण वहां से चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। तो आपको ये गलती कभी भी नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाओ इसका नोटिफिकेशन भी आपके पास जाए और आप देख सके। तो देखिए दोस्तों, आपको करना क्या, आपको कोई भी मतलब सिंगर का सॉन्ग आप गवाते हैं तो आपको उसका जो जो भी सिंगर का सॉन्ग लेते हैं अपने चैनल पर अपलोड करने के लिए, तो पहले उसको चेक कीजिए, वहां पे कॉपीराइट क्लेम हो तो उसको मत अपलोड कीजिए, उसको मत पोस्टर डिजाइन कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, वो सब सॉन्ग मतलब अपलोड ही मत कीजिए कॉपीराइट क्लेम। आपको जो भी सॉन्ग अपलोड करना है तो आपको न्यू ट्रैक पे अपलोड कराइए, समझ लीजिए ट्रैक पे है तो उसको क्या करें, कंपोज करवा के, आप म्यूजिक डायरेक्ट जो भी मत रहते हो, कंपोज करवा के उसको अपने चैनल पे उस सॉन्ग को गवा कर फिर अपलोड कीजिए, आपके चैनल पे कोई भी फर्क नहीं आएगा। अब समझ लीजिए, कोई भी मतलब अब म्यूजिक के सॉन्ग म्यूजिक निकाल लिए सॉन्ग का और उस पर गाना गवा के अपलोड कर दिए, तो आपके चैनल पे कॉपीराइट क्लेम भी आ जाएगा और कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ सकता है। तो इस तरह से आपको कभी भी नहीं करना है, तो इस बात को ध्यान में रखिए। अगर समझ लीजिए आपको कोई म्यूजिक बनवाना है, ऐसे म्यूजिक कंपोज करवाना है, तो अब आप बहुत सारे स्टूडियो वाले रहते हैं, वहां पे जाकर उनसे कॉन्टेक्ट करके आप करा सकते हैं, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, म्यूजिक डायरेक्टर है उनका नंबर दे दूंगा, और आपको म्यूजिक बनवाना है या कंपोज करवाना है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर मिल जाएगा, आप उनसे बात कर लीजिएगा। इस तरह से आपको कोई भी म्यूजिक उठाकर अपने सॉन्ग गवा कर अपने सॉन्ग म्यूजिक पे अपने चैनल पे नहीं अपलोड करना है। आपको जो भी करना है, एक नया ट्रैक और न्यू सॉन्ग मतलब आपको अपलोड करना है, किसी दूसरे का सॉन्ग अपलोड नहीं करना है। इससे क्या होगा, आपको कॉपीराइट क्लेम आएगा, फिर आपके चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, तो आप जितना भी मेहनत उस पर करते हैं ना, सब बेकार हो जाता है। तो इस तरह से आपको कभी भी नहीं करना है। आपको जो भी यहाँ पे कंटेंट डालना है, सब बिल्कुल नए ट्रैक पे डालना है, न्यू ट्रैक पे, कोई भी सिंगर है जो भी सिंगर है उसका गाना गवाइए, न्यू ट्रैक पे गवाइए, अपने चैनल पर अपलोड कीजिए और सही से अपलोड कीजिए। समझ लीजिए, आपको कोई चैनल बना लिए और कोई गाना वायरल हो गया, उस पर ज्यादा से ज्यादा व्यू है, तो आपको करना क्या, उसको गाना को डिलीट नहीं करना है, उस सॉन्ग को म्यूजिक को म्यूट कर देना है। उस पर मैं वीडियो बनाया हूँ, वीडियो का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं किस तरह से मतलब आपके चैनल पे कॉपीराइट क्लेम है उसे रिमूव भी कर सकते हैं। तो उस वीडियो में बताया हूँ, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाओ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सके।